रिसर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूएई के बारे में बताएंगे कि यूएई कितना ताकतवर है, जिसे दुबई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि दुबई यूएई का एक शहर है, जबकि मुल्क का नाम यूएई है, यानी यूनाइटेड अरब अमारात। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत भी दुबई में मौजूद है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। यूएई की कुल आबादी 9.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 64,000 फौज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूएई की फिजाइया के बारे में। दुबई की फिजाइया के पास जंगी तैयारों की कुल तादाद 541 है, जिनमें से 98 फाइटर तैयारे, 188 अटैक करने वाले तैयारे, सामान की नकलो हमल के लिए दुबई के पास 38 जहाज, इसके अलावा पायलट्स को तरबियत देने के लिए 140 ट्रेनर तैयारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई के पास 2 ऐसे लड़ाका तैयारे भी हैं जो दुनिया में मशहूर समझे जाते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है F-16 फाइटर फाल्कन, जिसे यूएई का फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो कि एक इंजन पर मुश्तमिल है और सुपरसोनिक यानी हवा की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला तैयारा है, जिसे अमरीका से खरीदा गया है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 1.2 मैक है, जो एक घंटे में 1,472 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इस तैयारे के जरिए 19,147 किलोग्राम वजन भेजा जा सकता है, जिसकी एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर हवा से हवा में टारगेट करने वाले मुख्तलिफ नौयत के मिजाइल नस्ब किए गए हैं, जिनमें 17 स्पैरो, इनसाइड लाइन वैनर, 120 अमरान, ISI, फाइटन 4 और फाइटन 5 शामिल हैं। इसके अलावा इस तैयारे में और भी एयर टू सरफेस मिसाइल नस्ब किए गए हैं, जिनमें AGM-65, AGM-88 हार्म, AT-160 जॉइंट और AG-154 वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं, जिनमें ATM-84 और ATM-419 पेंगुइन नस्ब किए गए हैं। दुबई का दूसरा खतरनाक तरीन त्यारा डिजाल्ट मिराज 2000 है, जो कि एक सीट पर मुश्तमिल है और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहलाता है। सामान ले जाने वाले जहाजों की तादाद 9 है, जिनमें पहले नंबर पर बोइंग C-17 है, जबकि दूसरा C-130 हरकुलिस, तीसरा CN-235 और चौथा C-255 शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको ड्रोन्स के बारे में बताते हैं जो दुबई की फौज में शामिल किए गए हैं, जिनमें पहला नंबर डैनल डायनामिक सैकर का है, जिसे जनूबी अफ्रीका से खरीदा गया है, जिनकी तादाद 11 है। दूसरे नंबर पर MQ-1 प्रीडेटर है, जो कि अमरीकी साख्त का ड्रोन है। तीसरे नंबर पर किंग विंग लॉन्ग ड्रोन है, जो चीन से खरीदा गया है। इसके बाद हम दुबई के पास आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में बताते हैं, जिनमें पहले नंबर पर वैक्यूलर टैंक है, जो फ्रांस से खरीदे गए हैं। ये दुबई के पास 434 की तादाद में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर SV-100 ड्रोन है, जिनकी तादाद 74 है। ये टैंक बरतानिया से खरीदे गए थे। तीसरे नंबर पर AMX-139 है, जो एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। इनकी तादाद यूएई के पास 11 है, जो कि फ्रांस से खरीदे गए हैं। चौथे नंबर पर पैट्रिया AMV है, और ये भी पर्सनल कैरियर है, जो पोलैंड से खरीदा गया है, जो 40 की तादाद में दुबई की फौज में शामिल हैं। पांचवे नंबर पर VTR-3 है, ये भी पहले की तरह आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, जिनकी तादाद दुबई के पास 90 है। ये व्हीकल यूक्रेन से खरीदी गई हैं। अब हम आपको इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के बारे में बताते हैं, जो यूएई के पास मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पर FNACV-50 है। ये एक आर्म फाइटिंग व्हीकल है, जो तुर्की से खरीदा गया है। इनकी तादाद यूएई के पास 133 है। दूसरे नंबर पर DMP-3 है, ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिनकी तादाद दुबई के पास 594 है, जो कि दुबई ने रूस से खरीदी हैं। तीसरे नंबर पर AMX-10P है, ये भी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं, जो फ्रांस से खरीदी गई हैं, जिनकी तादाद दुबई के पास 18 है। इन सब के अलावा दुबई के पास रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पर बैरिया मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दुबई का खुद साख्ता है, जो 24 की तादाद में दुबई के पास मौजूद है। दूसरे नंबर पर BM-21 है, ये भी पहले की तरह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो रूस का तैयार करता है।
इनकी तादाद दुबई के पास 48 है। दुबई की फौज दो इकसाम की तोपें भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें L-100 लाइट गन शामिल है जो 105 mm की गन है, जिसे दुबई ने बरतानिया से खरीदा है। इनकी तादाद दुबई के पास 56 है। नंबर 2 पर आती है फाइट 59 जो 130 mm की गन है। इनकी तादाद दुबई के पास 20 है जो कि चीन से खरीदी गई हैं। दुबई की फौज में सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल भी मौजूद है जो दुबई ने बरतानिया से खरीदे हैं।